अजीज तलबा, ये हमारा दूसरा लेक्चर है भुट्टो साहब की हुकूमत के बारे में। आपका जो कोर्स है मुतल पाकिस्तान का, इसमें हम 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन है, उसके बारे में चंद बातें करेंगे। 1973 का जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, ये भुट्टो साहब का एक कारनामा है। अगर भुट्टो साहब ने तमाम मजीद कारनामे बयान न भी किए जाए, उन्होंने पाकिस्तान को जो ये मुत्तफिका आईन दिया है, ये सिर्फ उनका नाम बंद लेने के लिए काफी है। पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने, उनके रहनुमाओं ने इसमें दस्तखत किए हैं, रजामंदी का इजहार इसमें किया है, उनके मशवरे से बना है। इसके अलावा करीबन 100 के करीब मुफ्ती किराम ने भी इसे इस्लामी आईन बताया। पहले थोड़ा ये बात समझने की कोशिश करें कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। तो बुनियादी वजह यह है कि 1971 में बांग्लादेश, जो मौजूदा बांग्लादेश है, पहले हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान से जुदा हुआ है, इसी आईन मुफ्त की वजह से। आईनी मसला तकमील, जो पाकिस्तान बनने के वक्त से ये मसला हल नहीं हुआ, और ये मसला हल ना करने की वजह से बदकिस्मती से मशीन पाकिस्तान में खाना जमी शुरू हो गई और हमने अपना कोई गंवा दिया। तो भुट्टो साहब ने इस तमाम गंभीर सूरत हाल का जायजा लिया, वजूहात का जायजा लिया, जिनकी वजह से हमने अपना अहदा मुल्क गंवाया, और पूरे दिन से यह बात तस्लीम की कि पाकिस्तान में जो आईन बनेगा उसमें जो छोटे सूबे हैं, कमजोर कौमियत है, उन्हें उनका हक दिया जाएगा। तो आप ये सफर नंबर 6 देंगे, यहां से शुरू करेंगे 1973 का आईन। ये रीडिंग का मतलब ये है कि इसमें मुश्किल इस्तेलाहात हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, कंसेप्ट हैं, उसको आप समझें। अप्रैल 1972 में मुल्क ने माशाल्लाह या खुद हुकूमत खत्म करके उबूरी आईन नाफिस कर दिया। उबूरी आईन कुछ वक्त के लिए, जबकि मुल्क के लिए मुस्तकिल आईन की तैयारी के लिए मुंतखब अरकान असेंबली कौमी असेंबली द्वारा जीत दे, उनमें से 25 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई, जिसमें तमाम बड़ी सियासी नुमाइंदगी दी गई। पाकिस्तान की नई जमहूरी हुकूमत ने मुल्क को एक नया विफाकी पार्लियामानी तर्ज का आईन दिया, विफाकी फेडरल पार्लियामानी पार्लियामेंट्री, इन दो टर्म्स को आप समझे। पहली बात तो यह कि विफाकी या फेडरल हुकूमत वो होती है जिसमें जो फेडरेटिव यूनिट्स होते हैं प्रोविंस, उन्हें खुद मुख्तारी हासिल होती है, ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उन्हें हासिल होती है। दूसरी बात यह कि पार्लियामानी तर्ज हुकूमत में इख्तियार जो है वो मुल्क के वजीर अजम के पास होते हैं। बहुत से ममालिक में सदर समझने की कोशिश करें, ये तहरीरी आईन है, मतलब ये लिखी हुई हालत में दर्ज है। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये तहरीरी अंदाज से दर्ज है, क्योंकि दुनिया का एक मुल्क है उसका आईन दर्ज नहीं है, सिर्फ जुबान के ऊपर याद है, वो मुल्क इंग्लैंड है। ये आईन असल मानों में इस्लामी जमहूरी रियासत का आईन है, इसके असूल इस्लामी भी हैं, जमहूरी भी है। जमहूरी अवाम की मर्जी से जारी हुई है, पहली मरतबा, पहली मरतबा इस आईन के लिए
दो एवाली मुखर लेना कायम हुई। दो एवाली मुखर लेना इसे कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की जो टर्मिनोलॉजी है, बाइकैमरल पार्लियामेंट। कोई सिविल में आबादी के लिहाज से जबकि सीनेट में चार सूबों को मसाई नुमाइंदगी दी गई, ईसाई में सूबाई को मुख्तारी जमानत दी गई, मतलब पाकिस्तान के जो सूबे हैं फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो अपने मामलात में मुख्तार थे। इफाक की तरफ से तहरीजियात दबाव नहीं डाला जाएगा। 1973 के आई के फिर जो अहम दफात हैं वो यहाँ दर्ज हैं। इसमें मुल्क में चार सूबे और एक इफाक का जिक्र है। ये तहरीर आइन है और जैसा कि हम कह चुके हैं वाजिबानी निजाम हुकूमत है पाकिस्तान में, इसाई कहते हैं, मतलब पार्लियामेंट वो सुप्रीम होगी। सदर अपनी मर्जी से पार्लियामेंट की जो राय है उनकी जो सवाबदीर है उसको बुलडोज वो नहीं कर सकता। यानी पार्लियामानी है वजीर आजम उसकी काबीना के अहकाम पार्लियामेंट से ले जाते हैं। अभी ये इनकी जरूरत क्यों पेश आई कि वजीर आजम उसकी काबीना के अहकाम पार्लियामेंट से ले जाते हैं? बहुत से मुल्कों में जहां पर सदारत के साथ वजीर आजम और जितने उसके मिनिस्टर्स हैं वजीर हैं ये सदर की मर्जी है कि जहां से वो लेना चाहे ले सकता, किसी यूनिवर्सिटी लेक्चर को मिनिस्टर वजीर लगा सकता है, प्राइम मिनिस्टर लगा सकता है या किसी और बिजनेसमैन को। तो पार्लियामेंट निजाम हुकूमत में इसकी गुंजाइश नहीं है। हुकूमत के अख्तियार वजीर आजम के पास होते हैं। पार्लियामेंट निजाम हुकूमत में मुल्क का सही हाकिम वजीर आजम है। हुकूमी असेंबली में अक्सरियत की जुमा का कायद होता है, हमेशा नहीं कभी कभी अकलियत की बड़ी का कायद होता है, लेकिन उसे अक्सरियत की तारीख हासिल होती है। और सदर मुमलिकत सिर्फ आईनी सरबराह होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होता है। दो एवानी मुकाम लेना है बाई कैमरल पार्लियामेंट या बाई कैमरल लेजिस्लेशन। मरकजी मुकाम लेना दो एवानों पर मुश्तमिल है। एवान जेरी को कौमी असेंबली और एवान बाला को सीनेट कहा जाता है। और तलबा ये बात भी जहन नशीन कर ले कि ज्यादातर मुल्कों में जो जहां पर पार्लियामेंट निजाम है तो बाई कैमरल लेजिस्लेशन दो एवानी मुकाम लेना है। हमारा हमसाया मुल्क के बाद अभी भारत ने कौमी असेंबली को लोकसभा के लिए, सेनेट को राज्यसभा के लिए, इस तरह जर्मनी में बहुत से ममालिक में इस तरह सिस्टम है। इस आईन में बुनियादी हकूक की जमानत दी गई है। बुनियादी हकूक का मतलब ये कि किसी आदमी को यहाँ के पाकिस्तानी शहरी को कहीं पर वो रिहायश किया कर सकता है, कारोबार कर सकता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उसे कहीं पाकिस्तान की हिफाजत हासिल है और अपने दिफा के लिए वो पाकिस्तानी अदालत से रजू भी कर सकता है। 1973 का जो आई थी इसमें तरमीम या अमेंडमेंट कर खुशी के लिए ईसाई में तरमीम किस तरह फर्स्ट करो, किसी जमाने में किसी एक में बदलती हुई तकाजों के मुताबिक हमें कानून में तब्दील की जरूरत हो तो इसके तरीके का यह है कि पार्लियामेंट के दो तिहाई जो अरकान है उसकी मंजूरी देंगे।
मतलब ये नवोचक आईन है और नवोदय सिद्धांत है। 1973 के आईन में अदलिया जुडिशरी की आजादी की जमानत दी गई है, मतलब ये कि मुल्क की जो हुकूमत है एडमिनिस्ट्रेशन वो जुडिशरी पे दबाव नहीं डालेगी कि उसे हमने फैसले और एक बात ये भी है कि जो आला अदालत है सुप्रीम कोर्ट या हाई उनके जो साहिबान है सदर मुमलिकत या वजीर आजम अपनी सवाबदीत पे उन्हें आसानी से नहीं हटा सकता, उसके लिए प्रोसीजर है, एक लंबा प्रोसीजर उसके लिए। ये एक जरूरी नुकता है 1973 के आईन में कि जो हमारे मुल्क में इलेक्शन होंगे इंतखाबात तो वो बिला वास्ता होंगे, डायरेक्ट होंगे, हमारा जो वजीर आजम है वो बराह रास्त या बिला वास्ता या डायरेक्ट आवाम के वोटों से मुंतखब होता है। मतलब हम जो नुमाइंदे जिनको हम वोट दे रहे हैं कौमी असेंबली में भेजते हैं वही नुमाइंदे वजीर आजम को मुंतखब करते हैं। तो अभी आप कहेंगे कि ऐसे ममालिक हैं जहां पर सरबराह हुकूमत इनडायरेक्ट मुंतखब होते हैं आवाम के वोटों से, तो जनाब अमरीका वो मुल्क है जहां पर इनडायरेक्ट तरीके से बिलवास्ता जो वहां का सदर अमेरिका का वो आवाम के वोटों से मुंतखब होता है, लेकिन आवाम पहले फर्ज करो इलेक्टोरल कॉलेज को वोट दे जितने नुमाइंदे होंगे किसी सूबे स्टेट या अमेरिका में वो भी वोट देंगे सदर को मुंतखब करने के लिए, वो इनडायरेक्ट सिस्टम है। एक अहम मुद्दा ये कि उर्दू को कौमी जुबान करार दिया गया, इससे पहले भी हमारे जो पाकिस्तान में एक तनाजिया था या हमारे जो बंगाली भाई थे वो किसी सूरत बंगाली जुबान के दूसरे दर्जे की हैसियत के एराजी नहीं, ये भी वजह थी कि हम से जुदा हो गए। तो 1973 के आईन में उर्दू हमारी कौमी जुबान करार दी गई और इसके अलावा इलाकाई जुबानें जो हैं पश्तो है पंजाबी सिंधी बलोची वगैरह उनकी तरक्की के लिए काम करने के लिए निकाल दिया है। और जो पाकिस्तान की जो रियासत है उसकी जो रहनुमा उसूल है जिन गाइडलाइंस में चलती है तो उनका भी थोड़ा जिक्र करते हैं। पहली बात है कि 1973 के आईन में बहुत सी इस्लामिक शिक्षा है, भुट्टो साहब का एक ये कारनामा भी है कि 1973 के आईन में पहली मरतबा एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान जो तफरीक या फर्क उसे भी बयान किया गया है। 1973 के आईन के मुताबिक वो शख्स मुसलमान कहलाएगा जो अल्लाह ताला की तौहीद पे यकीन रखता है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह ताला की आखिरी नबी पे अमल करता है। तो इस शिर्क की वजह से जो 1973 के आईन में मौजूद है कादियानी या मिर्जाई वगैरह या अहमदी उनको दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया। इसके अलावा भुट्टो साहब ने इस्लामी ममालिक से करीबी तालिबात की भी कोशिश की और उनके दौरे हुकूमत में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी लाहौर में मुंतकिल हुई जिसमें इस्लामी ममालिक के बहुत से सरबराहान ने शिरकत की।